तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास नाइन्थ के चैप्टर वन के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को दोनों मीडियम में एक साथ। आपको अच्छे से देखना है, समझना है। पेपर में ज़रूर क्वेश्चन मिलेंगे इस चैप्टर से ऐसे क्वेश्चन, ठीक है? तो अच्छे से प्रैक्टिस करो। बाकी और चैप्टर की तैयारी के लिए कॉमेंट को चेक कर लो। तो क्वेश्चन पर आ जाओ। क्वेश्चन नंबर वन एंड टू आर मल्टीपल च्वाइस क्वेश्चन। प्रश्न संख्या एक और दो बहुविकल्पीय प्रश्न है, यानी कि चार चार ऑप्शन है, कोई एक राइट है। तो क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, ध्यान से देखना। क्वेश्चन फर्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इरेशनल। निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या का मतलब जिसको हम पी बटे क्यू के रूप में ना लिख पाएँ, ठीक है? तो पाँच क्या है, ये परिमेय संख्या है, क्योंकि इसे हम पाँच बटे एक यानी पी बटे क्यू में लिख सकते हैं। अगर हम रूट चार की बात करें तो देखो ध्यान से, ये दो का वर्गमूल है, क्या निकलेगा दो, इसे भी हम पी बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं। अगर हम डी ऑप्शन की बात करें, रूट फाइव से रूट फाइव कट जाएगा, केवल टू बचेगा, टू बाई वन भी लिख सकते हैं। तो मतलब कि बी ऑप्शन राइट है फर्स्ट में, रूट फाइव जिसे हम पी वाई क्यू के रूप में लिख नहीं सकते, ठीक है? सेकंड क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन है क्वेश्चन टू, ऑन एडिंग टू रूट सेवन माइनस रूट इलेवन एंड रूट इलेवन माइनस रूट सेवन वी गेट दो रूट सात माइनस रूट ग्यारह और रूट ग्यारह माइनस रूट सात को जोड़ने पर प्राप्त होता है। इसका सॉल्यूशन देखो, सॉल्व करना पड़ेगा, ध्यान से देखो। आंसर नंबर टू, टू रूट में सेवन माइनस रूट में इलेवन, यहाँ पर प्लस लगा देंगे, रूट इलेवन माइनस रूट सेवन। ध्यान से देखो, ये माइनस में है और ये प्लस में है, सेम है, रूट इलेवन प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पर ये कट जाएगा, ठीक है? बचेगा टू रूट में सेवन माइनस रूट में सेवन। अब ध्यान से देखो, ये टू टाइम है और ये वन टाइम है, हाइड है, तो जब माइनस होगा तो वन टाइम रूट सेवन आएगा। मतलब कि जैसे रूट सेवन अगर हम प्लस करते हैं तो ये वन टाइम ये है, वन टाइम ये है, यानी ये कितनी बार हो जाएगा, दो बार, तो दो रूट सात आ जाएगा। तो सेम ऐसे ही माइनस भी होगा ना, तो जब एक बचता है तो ऐसे लिख दिया जाता है, एक हाइड होता है, ठीक है? तो यहाँ पर बी ऑप्शन राइट हो जाएगा सेकेंड में, रूट सेवन। समझ गए? अगला क्वेश्चन देखो। तो मतलब क्वेश्चन फर्स्ट में बी ऑप्शन राइट है, सेकेंड में भी बी ऑप्शन राइट है, समझ गए? आगे देखो क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन थर्ड, रिप्रेजेंट रूट थ्री ऑन द नंबर लाइन। रूट थ्री को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। तो सॉल्यूशन देखो इसका, ध्यान से देखना। तो जब हम रूट थ्री को संख्या रेखा पर शो करेंगे, निरूपित करेंगे, तो हम इसको लिख सकते हैं सबसे पहले थ्री इक्वल टू टू प्लस वन, ठीक है? और पाइथागोरस थ्योरम से रूट थ्री का स्क्वायर इक्वल टू होगा रूट टू का स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर, ठीक है? ये सेम यही निकलेगा, ठीक है? तो सबसे पहले हमको रूट टू शो करना होगा, उसके बाद वो रूट थ्री दिखाएगा, ठीक है? तो ध्यान से देखना, लाइन खींचते हैं। इसके बाद में एक लाइन खींचना है, ये जीरो है, ये एक है और ये दो है यूनिट, ठीक है ना? मान लेना अपने हिसाब से, एक यूनिट दो यूनिट। अब यहाँ पर आपको लंब बनाना है, यानी कि 90 डिग्री का कोण बनाना है, ठीक है? तो कैसे बनाओगे, सबसे पहले क्या करना है, डिस्टेंस ले लो एक यूनिट की, एक को केंद्र मानकर बी तक की दूरी लेकर, बी पर आपको नोक रखना है और एक आर्क यानी कि चाप ऐसे लगा देना है, ठीक है? जहाँ पर कट करेगा उसको बी से मिला देना, सीधा बिल्कुल 90 डिग्री होना चाहिए, इस प्रकार बनेगा ये, ठीक है? ये 90 डिग्री का होगा, समझ गए? अब इसके बाद में क्या करना है, ये मान लो आपका सी है, ठीक है? सी बिंदु है, अब सी को ए से मिला देना, सी को ए से इस प्रकार मिला देना, ये बनेगा रूट टू, ठीक है? और ये वन यूनिट है, तो पाइथागोरस थ्योरम से रूट टू सो हो गया। इसके बाद क्या करना है आपको, इसके बाद क्या करना है, ए को केंद्र मानकर सी तक डिस्टेंस ले लेना, एक आर्क यानी चाप ऐसे लगा देना, ठीक है? ए से सी तक दूरी लेकर एक चाप ऐसे लगा देना, ये जहाँ पर कट होगा ये आपका रूट टू सो होगा। इसके बाद में डी से आपको 90 डिग्री यहाँ पर पॉइंट सी पर बनाना है, डायरेक्ट ऐसे बना देना, ठीक है? इस प्रकार डी से नाप लेना और उसके बाद में 90 डिग्री पर ऐसे मार्क करना, ठीक है? 90 डिग्री, और उस पॉइंट को आपको सी से मिलाना है, किससे मिलाना है, सी से, इसको आप सी से ऐसे मिला दो,
ये मान लो आपका है डी। ओके, अब करना क्या है, ध्यान से देखो, जितनी डिस्टेंस ये है ना ए बी की, उतनी ही बी और सी की है, और उसी डिस्टेंस से सी को केंद्र मानकर एक आर्क आगे लगा देना है। इस प्रकार ये जहाँ पर कट करेगा, ये मान लो आपका ई पॉइंट है, ई को ए से आपको मिलाना है, ई को ए से मिलाना है, ठीक है ना, ई बिंदु को ए से आप ऐसे मिला देना, ठीक है, ये आपका रूट थ्री हो जाएगा, समझ गए। इसके बाद में आपको यहाँ पर ए और ई का डिस्टेंस लेना है, ए और ई का, देखो, उसके बाद में ऐसे ही एक आर्क फिर से लगाना है जो इस प्रकार मिलेगा, समझ गए, ये आपका रूट थ्री हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार आपको बनाना है, यहाँ पर भी लिख देना ये वन यूनिट है, ठीक है, ध्यान रखना, क्लियर है। तो इस प्रकार ये रूट थ्री सो हो जाएगा, समझ गए। तो आई होप ये समझ में आया होगा, अगला क्वेश्चन देखते हैं, कहीं पर डाउट होगा तो कमेंट में बता देना, ओके। आप पेन का इस्तेमाल मत करना, पेंसिल प्रकार रबड़ का इस्तेमाल करना, ओके। तो ये आपका आंसर नंबर थ्री हो जाएगा, ठीक है, पहले ये लिख लो फिर ऐसे इसको बना लो, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर फोर, इफ़ 2 की पावर 5x इंटू 2x इक्वल टू 5√32 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x, यदि 2 की घात 5x गुणे 2 की घात x बराबर 5√32 है तो x का मान ज्ञात कीजिए। सॉल्यूशन देखो फोर का, आंसर नंबर फोर, 2 की घात 5x गुणे में 2 की घात x बराबर 5√32। तो यहाँ पर गुणे का निशान है, इसका बेस सेम है, तो घात इसकी जुड़ जाएगी, तो 2 लिखेंगे 5x + x लिख लेंगे, घात को जोड़ देंगे, बराबर यहाँ पर रूट हटेगा तो 1/5 हो जाएगा, 32 से बाहर, ठीक है, ध्यान रखना। तो 2 5x में 1x जोड़ो 6x हो जाएगा, बराबर 32 का एलसीएम निकालो, 5 × 2 आएगा, ठीक है, एलसीएम निकालने पर फिर 1/5 सेम लिख दिया, आगे 2 की घात 6x बराबर यहाँ पर हम लिख सकते हैं 2 की पावर 5 यानी 2 की घात 5, ये 5 बार है इसीलिए, ठीक है, गुणे में 1/5 लिख दिया, आगे 5 से 5 कट जाएगा, इधर 2 की घात 6x बराबर यहाँ पर 2 की घात 1 बचेगा, आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर देखो दोनों तरफ 2 सेम है तो पावर एक दूसरे के बराबर निकलेगी, तो 6x = 1 के हो जाएगा, तो x = 6/2 में आ जाएगा, ठीक है, तो एक्स का मान आएगा 1/6। तो ये आंसर नंबर आपका 4 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, कहीं पर डाउट होगा तो बता देना, ओके। क्वेश्चन नंबर 5, रिप्रेजेंट 0.7 ऊपर बार है इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू, 0.7 के ऊपर बार है को p/q के रूप में व्यक्त कीजिए, आंसर नंबर 5 देखो, ओके। आंसर नंबर 5 हिंदी में लिखेंगे, माना x = 0.7 के ऊपर बार समीकरण 1, इंग्लिश मीडियम वाले माना पर लिखेंगे लेट, बाकी सेम उतार दो, ठीक है, हिंदी मीडियम में लिखेंगे दोनों तरफ 10 से गुणा करने पर, इंग्लिश मीडियम वाले लिखेंगे मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाई 10। अब ध्यान से देखो 10 से मल्टीप्लाई क्यों किया, क्योंकि पॉइंट देखो 1 10 पर है, तो दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है। अब ध्यान से देखो आगे, इधर 10 से मल्टीप्लाई होगा तो 10x हो जाएगा, इधर मल्टीप्लाई करोगे तो 7.7 के ऊपर बार लग जाएगा, यहाँ पर 0.7 के ऊपर बार का मतलब है कि 0.77 ऐसे बढ़ता जाएगा, ठीक है, तो जब 10 से मल्टीप्लाई होगा तो ये पॉइंट यहाँ पर लग जाएगा और बार फिर से लग जाएगा, तो 7.7 के ऊपर बार लग जाएगा, ठीक है, ये इक्वेशन 2 हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखना। हिंदी मीडियम वाले लिखेंगे समीकरण 2 से घटाने पर, ये 2 है इससे 1 घटाने पर, और इंग्लिश मीडियम वाले सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, ठीक है। तो ध्यान से देखो इक्वेशन 2 इधर क्या है 10x और इधर है x, तो 10x माइनस x किया इक्वल लगा दिया, इधर क्या है इक्वेशन 2 में 7.7 के ऊपर बार है और इधर 0.7 के ऊपर बार है लिख दिया, घटा दो 10x, ये 1x है, ठीक है, ये कितना है 1x है, 10x में से 1x जाएगा 9x और इधर ये कट जाएगा 7 आ जाएगा, ठीक है, तो x बराबर आ जाएगा 7/9 में इधर 9 आ जाएगा, ठीक है ना, x इक्वल टू 7/9, ये आपका x का मान हो जाएगा p/q के रूप में, ठीक है, आंसर 5 हो गया।
अगला क्वेश्चन देखो, जहाँ पर डाउट होगा बता देना। ओके, हिंदी मीडियम वाले अपनी लाइन लिखेंगे, इंग्लिश मीडियम वाले अपनी लाइन। ओके, क्वेश्चन सिक्स है, रेशनलाइज द डेनोमिनेटर ऑफ द फॉलोविंग, निम्न के हर का परिमेयकरण कीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन ऐसा पेपर में आएगा जरूर। तो पहला क्वेश्चन देखो, वन अपॉन में रूट थ्री प्लस रूट फाइव। सॉल्यूशन देखो फर्स्ट का, पहले आंसर सिक्स का फर्स्ट। यहाँ पर क्वेश्चन लिखा गया है, जब हम हर का परिमेयकरण करते हैं तो नीचे का नंबर सेम लिखकर ऊपर नीचे गुणा करते हैं, फर्क इतना होता है कि अगर प्लस होता है तो माइनस लगा देते हैं, माइनस होता है तो प्लस। यहाँ पर प्लस है तो ऊपर नीचे माइनस हो जाएगा, समझ गए। सेम ऊपर नीचे इसी नंबर से गुणा किया गया है, निशान बदल कर। अब रूट तीन माइनस रूट पाँच का जब एक से गुणा करोगे तो ऊपर सेम आएगा, ठीक है। नीचे देखो ध्यान से, इधर रूट थ्री प्लस रूट फाइव, इधर रूट थ्री माइनस रूट फाइव। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी, एक ब्रैकेट में दूसरे में ए माइनस बी। यहाँ पर ये फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, तो ये हो जाएगा ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। ए पर रूट थ्री का स्क्वायर, बी पर रूट फाइव का स्क्वायर। और जब रूट थ्री का स्क्वायर करोगे तो डबल टाइम हो जाएगा, ये थ्री निकलेगा। इसी प्रकार रूट फाइव का स्क्वायर करोगे तो ये भी जोड़ा बनेगा, एक निकलेगा फाइव। तो डायरेक्ट यहाँ पर लिखा गया थ्री माइनस फाइव। इधर मैंने समझा दिया है कि नीचे वाले स्टेप में कैसे डायरेक्ट आया। ओके, आगे देखो ध्यान से, आगे हम क्या करेंगे, ऊपर का नंबर सेम लिखा गया है, थ्री माइनस फाइव माइनस टू आ जाएगा। अब यहाँ पर चाहो तो ऊपर से एक कॉमन करके माइनस एक बटे दो कर सकते हो, फिर ये ब्रेकेट लगा सकते हो, इस प्रकार हो जाएगा आपका आंसर। या फिर आप माइनस ऐसे लिखकर ऊपर का नंबर ब्रेकेट में ऊपर कर दो और नीचे बटे दो ऐसे लगा दो, ठीक है। चाहे ये लिख लो चाहे ये, आपकी मर्जी है, या फिर दोनों ऐसे ही लिख लो। ओके, ये सिक्स का फर्स्ट का आंसर हो जाएगा, समझ गए। कहीं पर भी डाउट होगा तो बता देना। अगला क्वेश्चन देखो, सिक्स का सेकंड क्वेश्चन है, एक बटे में रूट दो माइनस रूट सात, और ये लास्ट क्वेश्चन है। सॉल्यूशन देखो इसका ध्यान से, सेकंड का आंसर क्वेश्चन सेम लिखा गया है, फिर से हर का परिमेयकरण करेंगे तो नीचे वाले नंबर का ऊपर से भी गुणा करेंगे और नीचे से भी। फर्क क्या, अगर यहाँ पर माइनस है तो हम यहाँ पर प्लस लगा देंगे, निशान बदल देते हैं, ठीक। एक का रूट दो प्लस रूट सात से गुणा करोगे सेम आएगा। नीचे फिर से देखो, ए माइनस बी ए प्लस बी सेम अप्लाई हो रहा है, तो बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए पर रूट दो का स्क्वायर, बी पर रूट सात का स्क्वायर। रूट दो का स्क्वायर करोगे तो ये डबल टाइम जोड़ा बनेगा, इसमें से दो निकलेगा। रूट सात का स्क्वायर करोगे तो ये भी सेम जोड़ा बन जाएगा, इसमें से सात निकलेगा। तो मतलब कि दो माइनस सात डायरेक्ट यहाँ पर लिख दिया गया है, स्टेप इधर मैंने दिखा दिया है, ठीक है। आगे सॉल्व करेंगे तो ध्यान से देखो, ऊपर का नंबर सेम लिखा गया, नीचे दो माइनस सात माइनस पाँच आ जाएगा। अब यहाँ पर भी पहली कंडीशन क्या है, माइनस को कॉमन करके बाहर की तरफ ब्रेकेट लगा के रूट दो प्लस रूट सात बटे में पाँच लिख सकते हैं, या फिर ऊपर एक कॉमन करोगे तो माइनस एक बटे पाँच हो जाएगा, और ब्रेकेट में दो रूट में प्लस रूट में सात लिख दो, ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। दोनों ऐसे ही लिख लो, चाहे ऐसे रोक दो चाहे फिर ऐसे। ओके, ये आपका आंसर सेकंड हो जाएगा। फिर से देख लो एक बार, ये सिक्स का सेकंड का आंसर है, और ये सिक्स का फर्स्ट जो है क्वेश्चन उसका आंसर है, और ये फाइव का आंसर है, और ये फोर का आंसर है, ये थ्री का आंसर है, और ये वन एंड टू का आंसर है, ठीक है। तो बच्चों आज की वीडियो में इतना ही था। इसी प्रकार वन बाय वन करके ऑल चैप्टर के आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएंगे दोनों मीडियम में। चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड टेक केयर।